इस समय हम बटेश्वर में हैं, जो कि आगरा में पड़ता है, यमुना नदी के किनारे है। और बटेश्वर हम क्यों आए हैं? बटेश्वर इसलिए आए हैं क्योंकि अटल जी के पैतृक गांव के तौर पर यह गांव प्रसिद्ध है, जिसका दुनिया भर में नाम है। तो आखिरकार आम चुनाव में हवा किसकी चल रही है, ये जानने के लिए आइए सीधा बटेश्वर के लोगों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है आपका? संजय। तो संजय जी, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या है, योगी की सरकार है, अभी तो चलेगी, बाबूला चाहर बनेगा बीएसी से। क्यों बना रहे हैं उसको? हम देखो, 5 साल में हम तो उसको दिया, पहले भी दिया, फिर भी देंगे वोट। हमारा ये परंपरा है, हम नाथ संप्रदाय से। नाथ से हैं, तो नाथ संप्रदाय की क्या खासियत है? खासियत हमारी योगी की रहेगा, जब तक हम वोट उन्हीं का देते हैं, और कोई नहीं हमारा। अच्छा। योगी मोदी बस। नाथ संप्रदाय का भी यहाँ पर प्रभाव है, तो आप भी नाथ संप्रदाय से? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कप्तान। कप्तान, तो कप्तान जी ये बताइए कि इस बार अगर हम बात करें तो आपके सांसद ने काम किया है इस इलाके में? करा, काम तो बहुत करा, काम नहीं हमारा नहीं करा तो और भी लोगों कर रहा हो तो पता तो लग ही रहा है, काम हो रहा है। जब भी तो दोबारा सोच रहे हैं सरकार की, दोबारा नंबर आ रहा है, ना कहा होता तो दोबारा भी नंबर नहीं आता है। तो इस बार जो अगर हम बात करें तो एक आम चुनाव में लोगों का वोट कम पड़ रहा है, लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, दोनों चरण में यही हुआ है, तो तीसरे चरण में लग रहा है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा? अब की बार अवश्य बढ़ेगा, अब की बार तो। क्यों? अब की बार फर्क पड़ गया, पहले कहते लोग चुनाव कर दिया, बेईमानी करती, ऐसा कुछ नहीं होगा, वोट बराबर पड़ता है, कुछ हेरा फेरी होती है, नहीं होती है, कोई कहता है लोग कर दी कहीं नहीं होती, होती नहीं, हो गई, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जिसके जनता का वोट है, जिसका इच्छा होता है उसी को देता है, उसी को देते हैं। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? आप बोलना चाह रहे थे, तो यहाँ पर कई लोग हैं जो बोलना भी चाह रहे हैं और नहीं भी बोलना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, अगर हम इस इलाके की बात करें, ये अटल जी का इलाका है और यहाँ पर अगर हम विकास की बात करें तो आपको लगता है कि विकास जितना होना चाहिए उतना हो चुका है? अभी नहीं हुआ, सही बात, उतना नहीं हुआ। क्यों, क्या वजह है? वजह क्या है, आपकी वो इच्छा है, वो हो नहीं रहा है तो हो ही नहीं रहा है। क्या क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद है सरकार से? उम्मीद क्या है, एक स्कूल होना चाहिए, सही, स्कूल नहीं है यहाँ पे। बटेश्वर में स्कूल नहीं है? नहीं है, हमारे गांव में नहीं है। गांव में नहीं है, बटेश्वर में तो है। अच्छा, गांव में नहीं है, तो यहाँ पर इसके अलावा और क्या चाहते हैं? एक स्कूल होना चाहिए, एक पंचायती घर होना चाहिए, बारात फरात टेती उसके लिए भी सुव्यवस्था होना चाहिए। अस्पताल है? अस्पताल भी नहीं है, वो बटेश्वर में है। बटेश्वर में, मतलब इस गाँव के अंदर नहीं। इस गाँव का क्या नाम है? इस गांव का जग, ग्राम जग। ग्राम जग्ञ, तो ग्राम जग्ञ जो है इसमें ना स्कूल है, ना अस्पताल है, बारात घर भी नहीं है, तो फिर क्या किया आप? कह रहे हैं बहुत विकास हुआ, तो कहाँ कह रहा है विकास का? मैंने अभी कहाँ हुआ विकास, तो यही हुआ जो हुआ सो तुम्हारे सामने, बस यही तो हुआ। सिर्फ अटल धाम बना बस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई लोगों का कहना है, बाकी सारी चीजें नहीं है और अटल धाम एक तरीके से बनाया गया है और अटल जी की स्मृति में इसको बनाया गया है। एक पुराना गांव है और इस जगह की अगर हम बात करें तो ये बटेश्वर की जगह है और यमुना नदी के किनारे का तीर्थ स्थल है। यहाँ कई मंदिर हैं, जैन मंदिर भी हैं, साथ ही साथ हम कह सकते हैं शिव मंदिर भी हैं। नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर एक बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आम चुनाव में जो लोगों की उम्मीद रहती है वो उम्मीद ये होती है कि विकास हो और विकास के लिए सरकार को चुना जाता है। हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, उनसे पूछते हैं। प्रधान जी, लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ उस तरीके का, क्या कहेंगे? विकास तो बहुत ही नहीं है, वही तो बात बता रहे हैं हम। हाँ, विकास तो राजकुमार चार को उनने किया ही नहीं। हम तो जितना काम ग्राम पंचायत में जो काम होता ना, प्रधान के अंडर में जो होता है, वो काम कर रहे, काम कर रहे। सांसद ने काम ही नहीं किया? नहीं किया था। कौन सा गाँव है आपका? भांग, बटेश्वर। बटेश्वर, तो यहाँ पर आप समझिए कि विकास की जब हम बात करते हैं, इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में आप देख सकते हैं कि ढेर सारे बच्चे आपको नजर आते हैं। यहाँ पर पीछे अगर हम देखें तो पुराने मकान भी हैं। और आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? सर, मैं बाहा का हूँ, सुनील कुमार भदौरिया। कहाँ के रहने वाले? बाहा। बाहा, बाहा, बाहा। जी जी, बाहा में क्या स्थिति है इस बार, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या सर, जो है बीजेपी ने कोई कार्य नहीं किया सर, तो लिहाजा जो है यहाँ का जो पूरी जो पॉपुलेशन है वो वोट कांग्रेस को ही देगी सर। अच्छा जी,
क्योंकि उन्होंने कोई बेरोजगारी का चला है सर, उनको कोई रोजगार नहीं मिला। जो 2 करोड़ नौकरी का दिया था, 2 करोड़ नौकरी का वो भी नहीं दिया। राजकुमार चार ने कोई भी कार्य नहीं किया यहाँ विकास का, वहाँ में आए नहीं सर, वहाँ में आई नहीं जी, नहीं आए, कोई विकास कार्य नहीं किया है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और ये देखिए एक और हमारे सहयोगी चले आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। तो आप तो विकास ही हैं, तो लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, हो रहा है, ये सब विकास ही है, ये विकास है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव के। इसी गांव के, तो अटल जी के लिए गांव प्रसिद्ध है। आपको लगता है कि जो सरकार है उसने वो काम किया है जो करना चाहिए? धीरे धीरे चल ही रहा है, सब हो ही रहा है, कार्य ही चल रहा है ये सब, इधर आगे घाटों का कार्य चल रहा है और बाकी ये सब कार्य ही है, इतना ही, इसी को कार्य कहते हैं, जितना है सरकार का वो कर रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, इस तरह की चीज़ें, बस इसी चीज़ की समस्या है, वहाँ की सब कुछ है, स्कूल और एक मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल है हॉस्पिटल उस तरीके गांव में नहीं है, यहाँ से है 1.5-2 किलोमीटर लोगों को भाग के जाना पड़ता है, और फिर समुदाय केंद्र वो बहा है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो लोग कह रहे हैं इस बार सांसद ने काम ही नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है? काम सब करते हैं, सब करते हैं, बाकी जो कहने वाले लोग हैं वो कहते ही रहते हैं, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ सकता सर। तो यहाँ अलग अलग ओपिनियन है, और इस इलाके की अगर हम बात करें तो यह इलाका कहीं ना कहीं अटल जी के लिए जाना जाता है, और आने वाले आम चुनाव में किस करवट उठ बैठेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सारा फोकस है कि किस तरह से मतदान को बढ़ाया जाए, यानी जो वोटर हैं वो घर से बाहर निकलें और वोट करें। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन बटेश्वर।